Hi, this is Lalit Mohan and you're watching me on Tally Tarka. Yeah, actually I always wanted to be a director, so I joined advertising. I used to write some ads there, used to be a copywriter, then I shifted to director. Yeah, I'm enjoying this show very much, honestly. Actually, it is very nice experience working with, first of all, newcomers. People like Abhas, who is not a trained actor. Then Sana, Lavanya, and Akash. Akash. And Payal is also there. She is not that trained. So I enjoy working with them. Ha. They do lot of masti on the set and that pissed me off always. Yeah. Arnav, a person with angst. Khushi is very khushi. Anjali, an idol sis. Shyam, the bastard. Mama ji. Nani is very cute, very sweet. Bui to, I love Bui. Payal, yeah. A very, very homely girl, more than Khushi. Akash is pure Indian girl. Lavanya, spoiled brat. It is actually not easy to describe her in one word. Mami ko agar main bolu to self-obsessive log hote hai na. Vaisi hai bas. No. We always improvise. We always improvise. We can't breathe if we don't improvise. Yeah, sometime we do. If it is logical and it can fit the bill. Definitely we take those advices. And whenever I get mails from my fans, so I transfer it to my creative team. And I give the feedback. If it is good, if it is nice, definitely I forward it. Sometime. But I only visit for 10 minutes and 15, not more than that. Yeah. Most of the time people mail me on my FB account. So I see the mail there only and then I read it out. So that is the only site. And sometime I get like India Forum, because sometime I get some messages, so I go and I visit that particular statement and whatever is there. So sometime I do that. नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं उसको याद रखूँ या बताऊँ. कुछ किसी ने मुझे मतलब ऐसा किया हो कि हाँ मुझे लगना चाहिए कि अरे यार, this is really amazing thought. ऐसा कुछ अमेजिंग है. हाँ, जो लोग जो फैंस का अपना एक फीडबैक रहता है, डेट इज ऑलवेज वेरी अमेजिंग कि यार दिस वॉज दैट एंड अर्नब का लुक ऐसा था या उसका लुक वैसा था. वो बहुत फैसिनेटिंग होता है समटाइम कि जो मेरे माइंड के अंदर है, जो मैंने सोचा है, जो सामने वाला देख रहा है उसके माइंड में वो है और वो चीज़ मुझे लिख कर भेज रहा है. अभी तो हम लोगों का कुछ ऐसा प्लान है नहीं कि वी सेलिब्रेट और नॉट, बट डेफिनेटली विल डू समथिंग, विल सेलिब्रेट, विल कट द केक एटलीस्ट, बिकॉज ऑल द टाइम वी आर शूटिंग, एवरी डे वी आर शूटिंग, नॉट गेटिंग टाइम. इफ वी गेट एन हॉलीडे, इफ वी गेट एन ब्रेक, देन वी कैन प्लान अ पार्टी और समथिंग. आई थिंक कमिंग मंडे वी आर कंप्लीटिंग 100. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. Everybody has a different kind of mindset. So it depends on. Observation is the best way to learn for an actor, for a director. The more they observe, more they get.
all this fact ki what is performance, what is making, what is script, what is emotion. It's all about observation. वंकर वो है, माजिद माजिदी, आई मीन बहुत सारे किरोस्तामी जी हैं, कुबरी किरोस्तामी एंड कुरोसावा, दिस थ्री के इज माय फेवरेट ऑल टाइम इन इंडिया में तो संजय सर, विशाल सर एंड अभी तो एज ऑफ नाउ संजय सर तो माय ऑल टाइम फेवरेट, संजय लीला भंसाली तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। दिवाली अच्छे से मनाओ, टोमेटिनो से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स हैं, उधर टमाटर फेंकने से कुछ नहीं होगा इधर होली है भूल गए हैं लोग, दिवाली है भूल गए हैं, ईद है भूल गए हैं, तो उसी को मनाओ अच्छे से, रादर कि आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, क्रिसमस सेलिब्रेट करो, वैलेंटाइन सेलिब्रेट करो, करो वो भी, लेकिन अपना जो कल्चर है, अपना जो रूट है, उसको डिग्रेड करके किसी को इतना अपग्रेड मत करो, उसको डिग्रेड मत करो। दिवाली दिस टाइम माई पेरेंट्स आर कमिंग, सो आई विल स्पेंड माई टाइम विथ पेरेंट्स ओनली, अदरवाइज आई विल बी वॉचिंग गुड मूवीज एट माई होम विथ माई पेरेंट्स, नथिंग मच, नथिंग इज प्लान्ड एक्चुअली फॉर टी वी डायरेक्टर ना, नथिंग इज प्लान्ड, ही कैन नॉट प्लान थिंग्स इन टेलीविजन बिकॉज वी शूट एवरी डे, यू नेवर नो कब कहाँ कैसे क्या स्क्रिप्ट है, यू नेवर नो, सो सब कुछ डिपेंड करता है कि वॉट इज टुमोरो शेड्यूल, एवरीथिंग। व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑन माई शो ऑलवेज, एंड आई वेलकम दैम, इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग प्लीज डोंट फील बैड, कीप कमिंग, थैंक्स, अ बिग थैंक्स।